राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 9 श्रेणियों में 38 विजेता हुए पुरस्कृत। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांकेर जिले की मासुलपानी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला 2रा पुरस्कार। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभाग में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और जांजगीर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। एड्स मरीजों से शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने का किया आग्रह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समुदाय शामिल हैं। समारोह में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांकेर जिले की मासुलपानी पंचायत को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पानी के मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जल एक अनिवार्य तत्व है जो जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 78% लोगों के घरों तक पानी की सुविधा पहुँचाई गई है। होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है, स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से गुजरात और पुदुचेरी को दिया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। उन्होंने श्रमिकों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। देश के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की ओर से ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के द्वारा कोई भी श्रमिक हो उसकी सुविधा के लिए, उसके लाभ के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटी के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए ई श्रम पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आज देश के सामने प्रस्तुत हो रहा। इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। राज्यपाल रमेश डेका भिलाई नगर के कला मंदिर में आयोजित स्वच्छता वीर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले 55 स्वच्छता वीरों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने उपस्थित जनों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता में अपना योगदान दें और दूसरों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सब लोग समाज का सब लोग को ये सफाई काम पे लगना है। ये अकेला सरकार कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज को जो लोग हैं समाज में सभी लोगों का भागीदारी से ये सच्चाई अभियान हो सकता है।
ए क्लीन सोसाइटी, ए क्लीन स्कूल बिल्डिंग, क्लीन टॉयलेट, क्लीन किचन, ये सब का जो जरूरी है ये हम लोग को समझ में आना पड़ेगा और हम लोग सबको सच्चाई में स्वच्छता में ध्यान देना पड़ेगा। समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक ऋकेश सेन और गजेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभाग में विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अंबिकापुर में आयोजित बैठक में श्री साव ने सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बलरामपुर रामानुजगंज जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, जल जीवन मिशन के संचालक डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और सरगुजा भोस्कर विलास संदीपान भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी का सपना है और इस अभियान को बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी घरों में रोजाना 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मुहैया कराना सुनिश्चित करने की जरूरत है। श्री साव ने अधिकारियों को सभी कार्यों के गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ठेकेदार के भरोसे ना रहें, बल्कि विभागीय अभियंता नियमित तौर पर नियमित रूप से मैदानी स्तर पर स्थिति का जायजा ले। श्री साव ने जिलेवार शत प्रतिशत FSTC कवरेज की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां कार्य पूर्ण हो गए हैं वहां अधिकारी खुद जाकर जांच करें और लोगों से सुझाव लें। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्य जहां पूरे हो चुके हैं वहां योजना के प्रचार प्रसार के साथ जनप्रतिनिधि को आमंत्रित कर जल उत्सव के आयोजन के निर्देश दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने विभागीय कार्यों की भौतिकी और वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। ये तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर जिला अस्पताल परिसर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा शिविर के तहत एड्स के मरीजों को उनके हित में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही एड्स से बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। राज्य एड्स नियंत्रक रायपुर के सहायक संचालक डॉ. रमा पटेल ने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम से एड्स के मरीजों को काफी फायदा होगा। में जो हमारे HIV के साथ जी रहे भाई बहन हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उनका जो सामाजिक सुरक्षा योजना है शासन की वो उनको लाभ दिलाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और जो एक साथ समन्वय करके उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके, मतलब उनकी क्षमता विकसित हो सके और शासन की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी जा रही। HIV के साथ वो स्वस्थ जीवन किस तरीके से जी सकते हैं, HIV स्थिति पता होने के लिए ICTC सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पर टेस्टिंग और काउंसलिंग होती है, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है और उनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। ART उनकी शुरू की जाती है, अगर वो HIV पॉजिटिव निकलते हैं तो लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो ART के साथ स्वस्थ जीवन जी पाते हैं इसके लिए उनको ज़रूरी है ART जो ड्रग है वो कंटिन्यू जीवन भर रखें। कार्यक्रम में जांजगीर चांपा जिले के अलावा सक्ती जिले के लोग भी शामिल हुए। कांकेर जिले के बांदे थाना के ग्राम पंचायत मरोड़ा के सरपंच के साथ करीब 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों ने सरपंच लक्ष्मण भंडावी को उनके घर में गुप्त धन होने का लालच दिया और परिवार में अनहोनी का डर दिखाकर पूजा पाठ कराने के लिए राजी किया। पूजा पाठ के बाद सरपंच को ठगी का एहसास हुआ तो उसने थाने में इसकी शिकायत की। यह है कि 2023 मतलब 2 साल अभी होने जा रहा है तो मेरे घर में गैस चूल्हा बनाने के नाम से 2 लोग आते थे, 3 बार बनाए थे, उन्होंने ऐसे पूछते पूछते बात
सोना जो गड़ा हुआ धन का, गुप्त धन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के बाद एक हमारे पास पंडित है, उसको पूजा पाठ करवाने से वो धन मिल जाता है। ऐसे करके जब बुधवार का दिन अच्छा दिन है करके मेरे से पूजा पाठ करवाया, और पूजा के पहले ऐसे मैं 5-6 बार पैसा उनको देते गया, टोटल 7 लाख रुपया दिया हूँ। बांदे के थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मरोड़ा का सरपंच है लक्ष्मण मंडावी, उन्होंने आकर एप्लीकेशन दिया और बताया कि लगभग 2023 में 1.5 साल पहले कोई साधु संत बाबा बन के आए थे और झाड़ फूक के चक्कर में कि सोना आपके घर में दबा हुआ है, नहीं तो अगर नहीं कराएंगे पूजा पाठ तो काल मृत्यु हो सकता है, इससे संबंधित करके आवेदन दिया है, जिस पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरबा में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल दिवांगन ने किया। इसमें क्रिकेट और नेटबॉल की स्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिताएं में सभी संभागों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। श्री दिवांगन ने बताया कि सरकार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। कोरबा जिला में छत्तीसगढ़ के हमारे 5 संभाग के बच्चे यहाँ पर बालक एवं बालिकाएं यहाँ खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। यह 24वां खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। 4 दिन का तक बच्चे हमारे खेल में भाग लेंगे, अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और आपसी भाईचारा टीम भावना के साथ में खेल भावनाओं के साथ में खेल को खेलेंगे। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन आज कोरबा में सामान्य कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के मुख्यातिथि में हुआ है। 5 संभाग के 500 से ज्यादा बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनके लिए जिला प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर व्यवस्था की। शुभारंभ अवसर पर स्कूली छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता का समापन 24 अक्टूबर को होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 9 श्रेणियों में 38 विजेता हुए पुरस्कृत। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांकेर की मासुरपानी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला 2रा पुरस्कार। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभाग में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और जांजगीर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। एड्स मरीजों से शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने का किया आग्रह। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।